ट्रैफिक विभाग को पोर्टेबल सिग्नल डिवाइस मिलने से पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करने में होगी आसानी। यह सिग्नल डिवाइस सौर ऊर्जा सहित बिजली से भी चलेगी। वीवीआईपी ड्यूटी के दौरान जहां सिग्नल न होने पर इस सिग्नल डिवाइस को लगाकर ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकती है पुलिस। पुलिस हेडक्वार्टर रायपुर से मिला यह सिग्नल डिवाइस जिले को मिली यह पहली सिग्नल डिवाइस है। पुलिस मुख्यालय से एक नग पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल प्राप्त हुआ है और इस ये सोलर बेस्ड भी है और इलेक्ट्रिक से दोनों से चल सकता है। जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे सोलर प्लेट से इसको चार्ज करके बैटरी ये लगा हुआ है इसमें, इसको चार्ज करके इसका उपयोग किया सकता है। और इसका उपयोग ऐसे स्थानों में जहाँ पे स्थायी रूप से सिग्नल लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कोई वीआईपी ड्यूटी हो गया, कोई मेला हो गया, कहीं पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है या फिर रोड निर्माण हो रहा है या जुलूस निकल रहा है, तो ऐसे स्थानों में जब ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की आवश्यकता है कम समय के लिए हो गया तो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल का उपयोग किया जाएगा। और इसके लगने से निश्चित रूप से जो ट्रैफिक के जवान लगते थे और उस जो ट्रैफिक सिग्नल लगेगा तो ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से ट्रैफिक को ऑपरेट कर सकेंगे। अभी ये पहला राज्य में पहली बार से खरीदी करके जिले को प्राप्त हुआ है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में काफ़ी फायदेमंद रहेगा।